मुस्कान बिखर जाए, थोड़ा सा आप आनंदित हो जाए। कीर्तन पार्टी का आप लोग आनंद तो लेते ही रहते हैं। अभी आदरणीय नीलम जी के द्वारा माँ की वंदना हुई और माँ की वंदना हम लोगों का परम कर्तव्य है, लेकिन हम चूंकि हास्य के कवि हैं इसलिए हम घर में ही माँ की वंदना कर लिया करते हैं। अभी आप लोगों ने नवरात्रि मनाई, दुर्गा जागरण, दुर्गा जी के नौ रूपों का दर्शन किया, लेकिन मैं पत्नी माता में ही नौ रूप देख लेता हूँ। जब हमारी पत्नी भोजन परोसती है तो वो अन्नपूर्णा हो जाती है, और जब वही पत्नी छोटी छोटी बचत करती है तो लक्ष्मी माँ हो जाती, वही पत्नी जब बच्चों को पढ़ाती है तो सरस्वती माँ हो जाती, लेकिन जब वही पत्नी प्रेमिका के साथ देख लेती तो रणचंडी भी हो जाती। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये सब कुछ आज के रूम में। अभी आदरणीय देवेंद्र तिवारी जी हमसे कह रहे थे, मधुप जी ये बताओ, अभी दो दिन पहले हम लोग करवा चौथ मनाए हैं, ये करवा चौथ होता क्या? हमने कहा करवा चौथ की कहानी इस प्रकार है कि एक बार लक्ष्मी माता से उनके वाहन उल्लू ने कहा कि माता आपकी घर घर में पूजा होती, हमारी कभी नहीं होती। तो लक्ष्मी माता ने कहा बेटा तुम्हारी एक दिन की पूजा होगी और वो दिन है करवा चौथ। तो ये जो लोग पूजे गए हैं ये अपने सम्मान में बात तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम। हेलो हेलो, वॉल्यूम बढ़ाओ यार, टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो दो चार लोग हमारे भी सम्मान में तालियां बजा सकते हो। देखिए ये कलाकार गाएं तो भले तालियां ना बजाओ, लेकिन जब हम खड़े हो तो जरूर तालियां बजाओ, इनका कर्जा नहीं खाओ। एक बार जोरदार तालियां हमारे सम्मान में होनी चाहिए। थोड़ा सा आपके चेहरे पर बहुत अच्छे सवाल जवाब हो रहे थे, बहुत अच्छा लगा। जो हमारे कीर्तन कलाकार यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, क्रांति जी ने कहा भी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो तराजू का पलड़ा वजनदार होता है वो नीचे ही रहता है, और ये वास्तव में बहुत वजनदार लोग बैठे हैं, हम लोग तो बहुत हल्के हैं। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जो भी कीर्तन कलाकार उत्तर प्रदेश के आए हुए हैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ, धूल के एक एक कण को प्रणाम करता हूँ, कण के एक एक परमाणु को प्रणाम करता हूँ, परमाणु के अंदर नाभिक को प्रणाम करता हूँ, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्रणाम करता हूँ, आप सबको इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आजकल बड़ा टेक्निकल मामला हो गया, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया। पहले का रिश्तेदार आता था, अटैची रखता था, कहता था बाबू जी के क्या हाल, माता जी के क्या हाल, भाई साहब के क्या हाल, लेकिन अब आपका रिश्तेदार आता, अटैची रखता, पहला सवाल करता आपके यहाँ पतली पिन का चार्जर तो नहीं है। तो ये कितना बदल गया मैं बताता हूँ, बहुत सब टेक्निकल। एक डॉक्टर साहब थे तो एक मरीज आया उनके पास, तो डॉक्टर ने कहा देखो सब कुछ टेक्निकल हो गया, तुमको जो भी परेशानी है वो हमको मोबाइल की भाषा में बताओ। अब उस मरीज का पेट खराब था, उसने कहा डॉक्टर साहब बार बार मिस कॉल सी लग रही है, पूरी कॉल नहीं लग रही, और इनकमिंग तो ठीक है लेकिन आउटगोइंग में बड़ी परेशानी है। तो डॉक्टर ने कहा देखो ऐसा है तुम्हारा सेट कवरेज एरिया से बाहर हो गया, 3 SMS भेजता हूँ, अगर मिल जाए तो सुबह दोपहर शाम में मिल जाए तो हमें कॉल करके बता देना। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए कीर्तन आप लोग सुनते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन टेस्ट वही रहता है। जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि जगह जगह पे जो 100 नंबर की पुलिस खड़ी है वो हमारी देन है, तो योगी जी ने कहा जगह जगह जो सांड खड़े हैं, समझ रहे हो, तो तालियां बजाओ। और दोनों का काम है चरो खाओ, अगर समझ गए तो जोरदार तालियां बजाओ। बहुत कुछ टेक्निकल बदल गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। 4 पंक्तियां अपने पत्रकार बंधुओं के लिए कहना चाहता हूँ, कुछ लोग चले गए हैं और मैं किसी को रोक नहीं सकता, चूंकि संसार का नियम ही है आवागमन। अब एक निवेदन करता हूँ भाई, हमारे बाईपास गदन खेड़ा के हमारे कहाँ थे गुरु, अभी तक पहले से आराम है श्री गंगाचरण गदनखेड़ा बाईपास, इनसे कहते कभी मेन रोड पे आओ हमेशा बाई के पास काहे रहते हो। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए सम्मान बजा दीजिए। इन्होंने 50 मुद्राओं से हमको अभिभूत हुआ है। गुरु जी आप तो बहुत बड़े आयोजक, कहा 50-50 दे गो, सीधा ATM नंबर लाओ। एक बार जोरदार तालियां हमारे मैनेजर साहब के लिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि थोड़ा सा आपके चेहरों पे हंसी आ जाए, मुस्कान आ जाए। अभी कई नई चीजें हुई है। ये रमेश पाल है, लखनऊ से आए, डेंटल चौराहे से रहते हैं।
इन्होंने जब मैं आया तो इन्होंने हमसे 500 के छुट्टे मांगे, कहा मधुप हमको 500 के टूटे लाओ, तो हमारे पास जो चिल्लर थे जोर बटोर के दिया। तो इन्होंने गिना, कहा यार गुरु ये तो 130 है, बाकी 370 हम कहा वो खत्म है। हाँ जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन कुछ लोगों को विरोध करना होता है, चाहे जितने काम अच्छे हो लेकिन कुछ लोग विरोध करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी से भी इनाम आया, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ आया तो एक आदमी लोटा लेके लैट्रिन जा रहा था, हमने उसको डांटा, हमने कहा मोदी जी ने इतने शौचालय बनवाए हैं, इतना संकल्प दिवस अभी मनाया गया उसमें गांधी जयंती पे स्वच्छता अभियान चलाया जा, तुम लोटा लेके बाहर जा रहे हो, कहें तुम जाओ अपना काम करो, हम विपक्ष में। तो जो विपक्ष वाले काम करते हैं, तो जैसे धारा 370 हटी, धारा 370 हटी तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, चार पंक्तियां हास्य की आपकी अदालत में पेश करता हूं, पसंद आए तो ठीक, न पसंद आए तो 10-12 और पेश करूंगा। हाँ कोई हमारी गारंटी नहीं, हम क्या कह जाएं। हाँ नहीं नहीं ये बात सही, इन सब कलाकारों की गारंटी लेकिन हमारी नहीं, चूंकि ये विद्वान है लेकिन ज्ञानी हम ही। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने बापू आसाराम से पूछा, देखिए अपना अलग अलग एक नजरिया होता है, मैंने बापू आसाराम से पूछा कि धारा 370 हटने पर आपके क्या है विचार, पूरा देश कर रहा मोदी और शाह की जय जयकार, सभी के मन में छाया हर्षोल्लास, पर आप क्यों दिख रहे उदास। बापू ने कहा मैं भी नाचता गाता और हर्षाता, या 370 की जगह 376 हट जाता। तो ये अपना अपना टेस्ट है, कुछ लोग चाह रहे हैं यहाँ भी बैठे हैं कि 376 हट जाए। हमारे तिवारी जी आपको गुरु क्या कहे, हम आपके सम्मान में हमारे शब्द बौने हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं नदियों में भागीरथी हूँ, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मैं जलचरों में मगरमच्छ हूँ, और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, और लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैंडसम मैं देवेंद्र तिवारी हूँ, और अगर ढोल वादकों की बात की जाए तो बहुआ पांडे हूँ। ये सारे लोग हैं हमारे आदरणीय दीक्षित जी बैठे, इनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। आशीर्वाद जिनको देते हैं वो वास्तव में देश में बड़ा नाम करते, लेकिन हमारे यहाँ एक गुरु हो जिसको आशीर्वाद देते उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती, तो हम तो आशीर्वाद लेने बंद कर दिया। तो बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सारा बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। चार पंक्तियां, चूंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, 1.5 घंटा क्रांति जी ले चुके हैं ऑलरेडी। हाँ अब समय किसी के पास है नहीं, हाँ लेकिन फिर भी इतने लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ। पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूँ जो हमारे कीर्तन कलाकार आए हुए हैं सुदूर क्षेत्रों से, इनको हमारी मात्र शक्तियाँ, इनको नमन करता हूँ। एक चीज और निवेदन करना चाहता हूँ, क्रांतिमाला जी जो कमेटी है इसकी महामंत्री, एक बार इसके लिए भी तालियां हो जाए। हाँ महामंत्री ये है शर्मा जी, पता नहीं क्या महामंत्रा, नहीं नहीं ये तो हो जाता। अरे गुरु तिवारी जी आप तो बहुत अच्छे मध्य प्रदेश से कीर्तन जगत में एक प्रकाश फैला रहे हैं। एक बार तिवारी जी एक बारात में डांस कर रहे थे, तो इन्होंने हमसे कहा मधुप हमारा डांस कैसा लगा, हमने कहा गुरु जी नागिन डांस तो बहुत देखा लेकिन अजगर डांस पहली बार देख रहा हूँ। जोरदार तालियां बजाइए। मैं आमंत्रित करता हूँ भाई आदरणीय नीलम जी को, लेकिन चार पंक्तियां आज की विसंगतियों पे। अच्छा तीनों लोग एक निपटा दी, GST काट के दे रहे हो क्या ये तीनों? चलिए कोई बात नहीं, लेखपाल जी ने और शर्मा जी ने तिवारी जी ने, यानी त्रिमूर्तियों ने एक साथ दे दिया। लेखपाल जी के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते चूंकि आज के आयोजक हमारा लिफाफा फंस सकता है, लेकिन इतना बता देना चाहता हूँ हमारे रायबरेली में एक लेखपाल थे, उनको एक कुत्ते ने दौड़ा लिया। बेचारे गांव में भागते रहे, चबूतरे पे चढ़ गए, कुत्ता भौंकता रहा। लेखपाल ने कहा ससुरदास अगर तुम्हारे नाम एक को बिसवा पट्टा होता, समझ रहे हो, तो तालियां बजाओ। हाँ थोड़ा सा 15 दिन का टाइम देता हूँ, जब समझ में आए तब तालियां बजाओ। कुछ लोगों को बहुत देर में समझ में आता। अभी मैं वहां बस्ती जिले में था कार्यक्रम कव सम्मेलन में, जैसे माइक पे खड़ा हुआ एक ताली बजाने लगा, हमने कहा गुरु जी एडवांस में कहा ताली बजा रहे हो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो उन्होंने कहा ऐसा जो पिछले साल आपने कविता पढ़ी वो अब समझ में आई, तो तालियां बजा रहा हूं। मैंने कहा बहुत जल्दी समझ गए। तो चार पंक्तियां मैं निवेदन करना चाहता और बुलाना चाहता हूं आज की विसंगतियों के लिए,
कि नाग फनियों के बगीचे फल रहे हैं। आदरणीय दीक्षित जी आपके चरणों में संप्रेषित करता हूँ। ये इतनी अच्छी हिंदी इसलिए बोल दिया ताकि आप समझ जाओ भले घर में पैदा हुआ। नाग फनियों के बगीचे फल रहे हैं, आम के वृक्षों पे आरे चल रहे हैं, और हंस अभिशापित है अंधेरा झेलने को, उल्लुओं के घर में हैलोजन जल रहे हैं। जोरदार तालियां। बउआ की जब शादी नहीं हुई थी तो मैं इसके घर गया तो देखा यह कुर्ता पैजामा धो रहा था। हमने बउआ से कहा, यार तुम इतने बढ़िया नाल वादक हो, तुम कपड़े धो रहे हो अच्छा नहीं लगता। खैर इसने हमारी बात मानी, शादी कर ली। जब शादी कर ली तो मैं इसके घर गया तो देखा ये फिर भी कपड़े धो रहा था। हमने कहा, बउआ यार अब भी कपड़े धो रहे हो, पत्नी कहाँ? बोले, चाचा जी गौर से देखो, ये कुर्ता पैजामा नहीं साड़ी ब्लाउज धो रहा हूँ। जोरदार तालियां भाई बउआ के सम्मान में। और आइए, ये अरे आदरणीय आपके द्वारा मुझे सम्मान हो रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। चलिए मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं, ये चीज़ मैं कहने वाला था कि अगर एक आध माला बची हो तो हमारे ऊपर भी चढ़ा दो। लेकिन आप लोगों ने अच्छा किया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा भाई शर्मा जी और पूरी कमेटी ने बहुत मेहनत किया। हेलो, एक बार तालियां बजा दीजिए। आप लोग इतने गंभीर हो जाते हो जैसे हमारी श्रद्धांजलि में बैठे हो। थोड़ा सा तालियां बजा के माहौल को जिंदा रखिए। हाँ, ये कार्यक्रम है, इतने मेहनत से सजाया गया है। बहुत सुंदर सवाल जवाब। एक कछुआ से यात्रा शुरू हुई, कौवे से होते हुए देशभक्ति तक आ गई। वास्तव में बहुत अच्छा लगा। कौवे को आप हल्के में न ले। एक बार एक मुर्गी ने कौवे के साथ शादी कर ली तो मुर्गी के बाप ने डांटा, कहा तुमने इतने मुर्गे हैं कौवे के साथ क्यों शादी कर ली? तो मुर्गी ने कहा, असल में मैं चाहती थी जिससे हमारी शादी वो एयरफोर्स में हो। अगर समझ रहे हो तो तालियां बजाइए। थोड़ा सा माहौल और बहुत अच्छा लगा। कौवा जो काम कर सकता है वो कबूतर नहीं कर सकता। कौवा लिखा है कि काक के भाग कहा सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। कौवे का इतना भाग है कि भगवान के हाथों से रोटी ले गया। कबूतर क्या, खाली लव लेटर पहुंचा रहा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दिया। तो कबूतर का केवल यही काम है। तो कबूतरों का कोई महत्व नहीं हमारे देश में। जो महत्व है, एक बात मैं अपने देश के नाम पे कहना चाहता हूँ, ये देश वो देश है जहाँ पीपल भी लंगोट पहनता है। और जिस देश में कौवा का घुसुंडी बनता है तो राम कथा का वाचक हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ उस देश के नाम पर एक बार जोरदार तालियां आनी चाहिए। और आदरणीय नीलम जी ने जो देशभक्ति की चाशनी में डूबी हुई ये सुंदर सी रचना सुनाई है, जब कोई देशभक्ति की कविता मैं सुनता हूँ तो हमारे अंदर भी देशभक्ति चौकरने लगती है। ऐसा ना समझो कि हम हाथ से वाले तो हमारे अंदर देशभक्ति नहीं, देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। शंभू दादा, पहले हम कूटे गए फिर भरी गई। तो शंभू दादा ये बताओ, डमरू त्रिशूल घर में भूल आए कि यही लाए हो? नहीं नहीं, वाचा नहीं, पता नहीं कि वो त्रिशूल आपका राधे माले के घूम रही हो। तो तालियां थोड़ा सा बजाते रहो। ये सभी कीर्तन कलाकारों को नमन करता हूँ। ये ऐसे लग रहे हैं जैसे नरेगा के मजदूर बैठे हो। एक बार तालियां, बहुत अच्छा लग रहा। कुछ तो आदरणीय जगदीश बाबा जी आपको प्रणाम करता हूँ। हालांकि बाबाओं से बड़ा डर भी लगता है देश में, लेकिन आप वैसे बाबा नहीं है इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। नहीं तो देशभक्ति की जहाँ पे बात छिड़ गई है, पाकिस्तान जैसे दो कौड़ी के देश के लिए करोड़ों की कीर्तन न बर्बाद करो और देश का टेंशन न लो। देश मोदी जी चला रहे हैं, योगी जी चला रहे, अभी हम खुद जिंदा हैं। हाँ तो दो चार लोग तालियां बजा सकते हो। ऐसा नहीं कि देश का टेंशन। एक बात बता दूं, भारत देश सनातन है। भारत देश पाकिस्तान, भारत देश की नाजायज औलाद है। उसका जन्म 14 अगस्त 1947 का हुआ है। हमारी भगवत गीता कहती है, जातस्य ध्रुव मृत्यु निश्चय, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। तो पाकिस्तान का जन्म हुआ तो एक दिन उसकी मृत्यु भी होगी। और भारत आदिकाल से सनातन रहा है और रहेगा। तो भारत के नाम पर एक बार तालियां हो जाए। और मैं बताना चाहता हूँ, भारत देश वो देश है। एक बार हेयर कटिंग सैलून में दो तीन देशों के लोग बाल कटवा रहे थे।
लंबे लंबे बाल, तो हेयर कटिंग सैलून वाले ने सोचा तो काफी मुनाफा होगा। एक पाकिस्तान का है लंबे लंबे बाल लेके, कहा कितना लोगों, कहा 250। तो जापान वाले ने कहा देखो यार तुम्हारे यहाँ 250 में इतने लंबे बाल काटते, हमारे यहाँ तो इतने लंबे बाल का 70,000 लेते। हमने कहा तुम्हारा देश बहुत पिछड़ा है, इतने लंबे बाल का 70,000 लेते, हमारे यहाँ 2,000 दे दो गर्दने उड़ा देंगे। तो ये तो बाल की बात जाने दो, तो हमारा देश हर मामले में बहुत अच्छा है। हाँ आदरणीय लेखपाल जी आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अब प्रणाम के अलावा हम आपका कुछ कर भी नहीं सकते। जो कुछ करना, ये एक तरफ भाभी एक तरफ नंद, हम बीच में शकरकंद। अब ये क्या है, ये भाभी और नंद का रिश्ता ये घर का रखो भाई। हाँ अब कुछ तो अजिया ससुर बैठे हुए हैं, इनको भी प्रणाम करो। सरदार जी है कि चले गए, सरदारों के लिए मुझे शेर याद आ गया, आपको प्रणाम करता हूँ सर। आप भारत देश के वो गौरव है जिन्होंने देश की आजादी के लिए, अगर क्रांतिकारियों में किसी का नाम लिया जाता तो शहीद आजम भगत सिंह का नाम लिया जाता है, तो भगत सिंह की परिपाटी का निर्वहन करने वाले भाई सरदार जी के सम्मान में एक बार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत नमन करता हूँ। ये न समझो भगत सिंह के साथ हम भी असेंबली में बम फेंकने गए थे, लेकिन नहीं फटा, लौट आए, अंग्रेजों की छाती फट गई थी। अच्छा फट इसलिए, चाहे चाइना हो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को तुम ऐसे चैलेंज करते, आधा तो कश्मीर हमने ले ही लिया और तुम्हारी औकात नहीं, तुम कश्मीर ले लोगे। इंडिया के लड़के जब गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं देते, हाँ सीट जो किनारे वाली सीट नहीं देते, तो तुमको कश्मीर कहाँ से दे देंगे। तो ये सब कुछ है। चाइना वालों से तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारे यहाँ मरने के बाद जितनी आंखें खुली रहती तुम्हारी पूरी नहीं खुलती, हाँ अगर खुलती हो तो बताओ। और अगर चाइना में कोई 6 फुट का जवान मिल जाए तो समझ जाओ हमारे देश के ऋषियों ने वहां तीर्थ यात्राएं की हैं। जोरदार तालियां, ये होना चाहिए। दुनिया के देश कुछ भी करें लेकिन अपने देश का कोई मुकाबला नहीं है। मैं 4 पंक्तियां, आदरणीय सरदार जी की ओर से 50 मुद्राओं का सहयोग हुआ है। 200 आप क्या नाम है, अच्छा लखा जी और बाबा जी दोनों की ओर से 200 मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत नमन करता हूँ। नमन का मतलब जब मरना हो। ये हिंदी जो है इसका हम ही लोग केवल पोस्टमार्टम कर सकते हैं, कई भाषाओं, लेकिन एक गर्व के साथ कहना चाहता हूँ ये हिंदी हमारी मातृभाषा है, संस्कृत हमारी देववाणी है, देव भाषा, अंग्रेजी कोई भाषा नहीं, जानवरों की भाषा, हु हाउ कुछ नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ हिंदी के नाम पे तालियां हो जाएं। 4 पंक्तियां मेरा मन है कि देशभक्तों की बात जहाँ पे छिड़ गई है आदरणीय, तो एक बहुत बड़े इटावा के कवि हैं, उनकी 4 पंक्तियां पढ़ के मैं देशभक्ति का रंग बिखेरना चाहता हूँ। क्योंकि राष्ट्रभक्तों के बीच में कार्यक्रम हो रहा है कीर्तन का, बहुत अच्छा लगता है। शहीदों के दर्द को इटावा के एक बड़े कवि ने समेटा है कि मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ, पुलवामा का वो दृश्य याद करिए, ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है किंतु मेरे तो परिवार की रोटियां चली गई। तो जो शहीदों का दर्द है, जो सैनिकों का दर्द है, वो सिर्फ उनके परिजन महसूस करते हैं। हमारी सरकारें क्या 20-25 लाख दे के अपना निर्वहन कर लेती हैं, लेकिन उन शहीदों के नाम पर, उन सैनिकों के नाम पर, उन सीमा के जो प्रहरियों हैं, प्रहरियों के नाम पर एक बार तालियां मांगता हूं। ज्यादा समय मैं भी नहीं लेना चाहता हूं। सरदार जी की बात आ गई, एक शेर मुझे याद आ गया, थोड़ा सा आनंद ले लीजिए। शेर प्यार मोहब्बत की बात, जितने भी कठपीसे गाई रहे सब प्यार मोहब्बत के नाम पे गाई रहे, हमारी चेसिस नहीं अलाउ करती कि हम प्यार मोहब्बत में कुछ पढ़े। हाँ अच्छा, जब से प्यार मोहब्बत पढ़ने लगे योगी जी ने इंटू रोमियो स्क्वायर लगा दिया, आप भी ज्यादा पत्नी पीड़ित नजर आ रहे हो, बैठ जाओ गुरु। अरे रुक जाओ, दुनिया कमाने की बात छोड़ो। तो प्यार के नाम पे हमने योगी जी से कहा कि यह उत्तर प्रदेश की धरती, आपने राम की धरती में, कृष्ण की धरती में प्यार पे प्रतिबंध लगा दिया। तो योगी जी ने कहा ऐसा जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं ले सकते,
तालियां बजाओ ही नहीं, पद पुराण के पाताल खंड में लिखा तालियां बजती। एक हमारा मित्र है विकास बौखल, चार पंक्तियां उसकी पढ़ के मैं आदरणीय क्रांतिमाला जी को आहूत करता हूं। उसने लिखा है, उसने लिखा है कि मोहब्बत की गली में पांव धरने भी नहीं देते, उगी है हरी घास चरने भी नहीं देते। और एक मजनू ने योगी जी से यूं कहा, जो काम आप कर नहीं सकते करने भी नहीं देते। तो ये होना चाहिए, लेकिन ये शुक्लागंज है, यहाँ प्यार मोहब्बत बिल्कुल एकदम चरम सीमा पे है। जब मैं आ रहा था तो प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था, जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई दे रही है। हम रुक गए, हमने कहा यार जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो जरा देख के बताओ बिंदा नगर चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रही, क्योंकि आज हमारे पास डीएल भी नहीं। असल में पता नहीं कब चालान कहां किसका कट जाए। एक आदमी भैंसा पे जा रहा था, पुलिस वालों ने उसका चालान काट दिया। उसने कहा दरोगा जी आपका ध्यान किधर है, ये नीचे देखो फोर व्हीलर है। अच्छा फोर व्हीलर को छोड़ो, एक तांगे घोड़े वाले का चालान कर दिया। तो तांगे वाले ने कहा सर हमारे पास आरसी है डीएल है, तो ये तो कुछ लगता नहीं। तो दरोगा जी ने डंडा हिलाया, कहा देखो लेडीज सवारी बैठा है, घोड़ा नंगा इसलिए चालान होगा। जोरदार तालियां प्रस्तुत किया है। और क्रांति जी के सम्मान में हम कुछ कह नहीं सकते, जब मैं जिला स्तरीय था तो आप प्रांतीय स्तर की कलाकार थे, जब मैं प्रांतीय स्तर का हुआ तो आप राष्ट्रीय स्तर की हो गई। अभी कुछ लोग जानते होंगे कि सऊदी अरब से आपके उसमें मैसेज आया है कि कोई इनका फैन है जो जिस आपके गायन ने जिसकी आत्मा झकझोर दी। तो जब मैं राष्ट्रीय स्तर का हुआ तो आप अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो गई। अब इन्होंने कहा मधुब क्या करोगे, हम कहा जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो गई तो हम अंतर ब्रह्मांडी हो जाएंगे। तो ये मतलब ये है कि कुछ लोग दुनिया में अपना कार्यक्रम करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सवाल जवाब हुए हैं। और अभी हनुमान जी के प्रसंग से आपने भगवान के भक्तों का जो महिमा मंडन किया है बहुत अच्छा लगा। हमारी मानस में भी है कि राम से अधिक राम कर दासा। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं मैं। एक बार एक आदमी की भैंस खो गई तो वो ढूंढता रहा, भैंस नहीं मिली। अंत में भगवान राम के मंदिर चला, वो 5 किलो देसी घी के लड्डू बनवा के। बीच में हनुमान जी चबूतरे पे बैठे थे, हनुमान जी ने देखा कि 5 किलो देसी घी के लड्डू बगल से जा रहे हैं। उसने बुलाया, कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि ऐसा हमारी भैंस खो गई है, काफी ढूंढा नहीं मिली, हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं लड्डू चढ़ाने। हनुमान जी ने कहा सुनो, भगवान की पत्नी खोई थी तो कौन ढूंढ के लाया था? हम ढूंढ के लाए थे, ये लड्डू इधर लाओ। और हनुमान जी पूरे लड्डू खा गए और उसकी भैंस उसके खूंटे में बांध दिया। इसीलिए कहा गया है कि राम से अधिक राम कर दासा। कुछ आपके प्रसंग हमको बहुत अच्छे लगे, जिसमें लेकिन कुछ ज्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, नारी सशक्तिकरण पे आपने जोर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं, दोनों पक्षों की बात करनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा ये खंभा बीच में आ रहा, ये खंभा हटा के थोड़ा सा काम होना चाहिए। एक बार एक आदमी की पत्नी मर गई, मरणा सन्न स्थिति में तो उसकी शव यात्रा निकल रही थी, तो सब लोग राम राम सत्य बोल रहे थे। तो अंत में वो पत्नी का पैर खंभे से टकराया, वो जीवित हो गई। दोबारा जब फिर मरी तो जब फिर शव यात्रा निकली तो लोगों ने कहा राम नाम सत्य, लेकिन पति कह रहा था खंभा बचा के, अब की बार ना जीवित हो जाए। तो ये सारी चीजें, तो कुछ लोग खंभा बचाने के चक्कर में थोड़ा तालियां बजानी तो जोरदार बजाइए, जिसके हल्के में काहे ले रहे हो। आपने तो इतना अच्छा सवाल जवाब प्रस्तुत किया है। हाँ हाँ ये अच्छा, ये भाई साहब अभी लखनऊ से कुछ आए, बोले कि वो एक आधी टिप्पणी कर दो। बहुत कुछ बदल चुका है, काफी ट्रेंड चेंज हो गया। अभी क्रांति जी की जो बिटिया है ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती, तो ये स्कूल नहीं गई तो इसके टीचर ने पूछा कि बिटिया तुम स्कूल 2-3 दिनों से नहीं आई, क्या बात थी? तुमने कहा हमारे घर में ब्यूटीफुल ट्रेजडी, इसके कारण नहीं आई। तो टीचर ने कहा ब्यूटीफुल ट्रेजडी क्या है? इसने कहा नहीं जानते हो, सुंदर कांड। तो जोरदार तालियां, इतना सब कुछ बदल रहा। हाँ एक बार थोड़ा सा क्रांति जी कार्यक्रमों में व्यस्त रही तो थोड़ा कपड़े उपड़े साफ नहीं पहन के गई, तो टीचर ने डांटा, डायरी में लिखा कि बच्चे को नहला के भेजे। तो क्रांति जी ने जवाब में लिखा कि बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा न करें। तो जहाँ पे इतना ज्यादा बदलाव हो रहा, बहुत अच्छा, काफी बच्चे होशियार हो गए। एक बार हमने एक छात्र से पूछा, हम भी पढ़ाते हैं, तो छात्र से पूछा कि दुर्घटना और दुर्भाग्य में
क्या अंतर है? आजकल के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए। हमने कहा दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है? तो उसने कहा गुरुजी, जैसे विद्यालय में आग लग जाए तो दुर्घटना और आप बच जाओ तो ये दुर्भाग्य है। तो इतना ज्यादा जहाँ पे कंपेरिजन चला बहुत अच्छा लग रहा। और हमारे आदरणीय दीक्षित जी ने 50 रुपये दिए थे, लेकिन मैं अनाउंस करने के लिए भूल गया। गुरुजी 3 बार अनाउंस करूंगा उसी 50 रुपये, 3 बार अनाउंस करूंगा ताकि कोटा पूरा हो जाए। नहीं देखिए, ये बात सही कह रही, आप लोगों को कीर्तन कलाकारों की बात समझने में दिमाग लगाने की जरूरत है, लेकिन हमारी बात समझने में दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद ही नहीं। दो चार लोग तालियां बजा सकते हो, ये सब अलग अलग। क्या भाई हमारे गदन खेड़ा भाई पास के क्या ठेकेदार जी, बार बार आप उठ रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ कोई यहाँ पंडाल से कोई तब तक न उठे जब तक भगवान न उठावे। हाँ तो आप लोग इसी तरह सुबह तक बैठे रहे, पूरे कार्यक्रम का आनंद ले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे मोदी जी का नारा है, और वास्तव में इसका एक गूढ़ रहस्य भी छिपा हुआ है। जैसा कि आपने संकेत किया कि टुंकिल जैसे, निर्भया जैसे और छोटी छोटी 3-3 साल की बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा, तो इसमें एक गूढ़ार्थ भी है कि ऐसे दुराचारियों से बेटियों को बचाया जाए, बेटी बचाओ। लेकिन बेटे भी कोई गंगा जी की बाढ़ में नहीं आए, ये भी हमारी विरासत है, तो बेटियों के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए। जहाँ नारी सशक्तिकरण इतना हो रहा, वहाँ पे नारी सशक्तिकरण का मतलब नहीं पुरुष सशक्तिकरण। हाँ तो हमारे पुरुष भाई भी तालियां बजा सकते हैं, आपकी भी मतलब की बात कह रहा हूँ, दोनों पक्षों की बात करता हूँ। और बहुत अच्छा नारायण साईं का भी आपने जिक्र किया है क्रांति जी, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि नारायण साईं आसाराम के पुत्र हैं, और हमारे यहाँ भारतवर्ष में पुत्र का काम है कि पिता के काम में हाथ बटा हुए। तो अगर नारायण साईं ने बाप के काम में हाथ बटाया तो कोई बुरा नहीं किया, तो एक बार इसके नाम भी तालियां आनी चाहिए। बहुत अच्छा, हाँ संस्कारी पुत्र है। और तो और अभी जब रावण का दशहरे में पुतला दहन हुआ, तो ये नेता लोग ही अक्सर क्यों रावण के पुतले को दहन करते हैं, तो एक ने हमसे पूछा, हमने कहा सीधी सी बात है, रावण के पुतले में रावण को मुखाग्नि उसके परिवार वाले ही तो देंगे, तो इसलिए रावण को जो मुखाग्नि दी जा रही है वो उनके परिवार वाले ही दे रहे हैं। दीक्षित दादा कुछ ज्यादा समझ में आ गया गुरु, बहुत प्रणाम करता, अगर ज्यादा समझ में आ गया हो मतलब आपसे बहुत अच्छा लग रहा। अभी ये भाभी और नंद की बात चल रही थी, लेकिन ये क्रांति जी मैं निवेदन करता हूँ, ये घर का रिश्ता है, इसको मतलब आप सोशल मीडिया पे न लाओ। जैसे एक यहाँ पे कई प्रधान बैठे होंगे, तो हमारे यहाँ रायबरेली में एक प्रधान जी थे, वो इलेक्शन लड़ रहे थे गुरु, तो भारी सभा इलेक्शन की थी, जोश हो गया उनका दूना, भारी सभा। प्रधान जी कैसे इलेक्शन में अगर कोई आदमी पैर छूना शुरू कर दे तो समझ जाओ कि वो अगला इलेक्शन लड़ने वाला है। पांडे जी कहाँ गए थे? कुछ रासायनिक क्रियाएं जो जोर मारती यहाँ नहीं निपटा सकते, इनके लिए भी तालियां हो जाए। थोड़ा सा चाहता हूँ आपके चेहरे पे, तो भारी सभा इलेक्शन की थी, जोश हो गया इनका दूना, और दौड़ दौड़ के शुरू किया सबके पांव का छूना। पुरुषों को दादा दादा कहते, महिलाओं को देवी, और भावुकता में इतना डूबे पांव छू गए पत्नी के भी। पत्नी बोली ये क्या करते हो, पत्नी बोली ये क्या करते हो, मैं तो हूँ चुन्नू की माता। तो वे बोले ये घर का रिश्ता है, यहाँ सिर्फ हो मतदाता। तो पत्नी बोली तुमने पांव छुए इसी पाप से हारे, तुमने मेरे पांव छुए हैं इसी पाप से हारे, इसीलिए सातों पुरखे इलेक्शन में तुमने तारे। तो ये है एक बार, ये सब सारे स्थितियां हो रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा भोर की वेला है, कार्यक्रम ऊंचाइयों पर है, तो आप लोग संवेदनाओं के साथ भी जुड़े रहें, भावनाओं के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस मंच का उद्देश्य है। मैं एक बात इस मंच के माध्यम से 4 पंक्तियों में निवेदन करना चाहता हूँ, ये मंच क्या चाहता है? कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं, कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं, घायल पड़े जटायु को हम गोद उठाने निकले हैं।
और हम दीप जलाने निकले हैं शबरी की कुटिया में, पत्थर बनी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले हैं। तो इन कार्यक्रमों का यही उद्देश्य है। ये जो चार पंक्तियां हैं, अभी माँ बाप के दर्द को आपने कहा है, उस माँ बाप के दर्द को बहुत बहुत कवियों ने परोसा है अपनी पंक्तियों में, लेकिन एक चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, फिर अगले मैं पायदान की ओर बढ़ता हूँ। किसी ने लिखा कि बेदर्द दुनिया है, मैं दुनिया देख आया हूँ। बेदर्द दुनिया है, मैं दुनिया देख आया हूँ। तुम्हारे घर की कमियां मियां मैं देख आया हूँ। वृद्धाश्रम में गया पिताजी के पांव छूने, वहां पर अपने लिए भी एक कमरा देख आया हूँ। तो वास्तव में जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, ये एक संस्कार कहां से कहां हम पहुंच गए हैं। इन्हीं संस्कारों की पुनर्वापसी के लिए ऐसे कार्यक्रमों का होना, ऐसे आयोजनों का होना उसी तरह आवश्यक है जैसे मनुष्य के लिए ऑक्सीजन। आदरणीय क्रांति जी ने 50 मुद्राओं का मुझे भी आशीर्वचन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। और चार पंक्तियाँ एक बड़े कवि की पढ़ के मैं आदरणीय नीलम जी को आमंत्रित करता हूँ। फैजाबाद के एक बहुत बड़े कवि पंडित जमुना उपाध्याय जी ने कहीं लिखा है माँ बाप के दर्द को, कि कैक्टस को सजा के गुलदान में रखता है, बूढ़े माँ बाप को दालान में रखता है। कैक्टस को सजाकर गुलदान में रखता है, बूढ़े माँ बाप को दालान में रखता है। हिफाजत तो करता है झाड़ फानूस की, बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है। एक बार जोरदार तालियां मांगता हूँ। और बहुत सुंदर कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं, इसी तरह आप लोग अपनी सहभागिता देते रहें। और भोर की वेला है, अच्छे अच्छे आप लोगों को कार्यक्रम कटपीस हो या सवाल प्रश्न गीत हो जो भी हो आनंद आएगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।